दोस्तों इस ट्रेंडिंग स्लीव का मैंने वीडियो अपलोड किया था, बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन बनी थी, बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई थी। लेकिन मुझे इसमें एक थोड़ा सा कुछ लग रहा था कि यहाँ पर देखिए, इसमें जो बाजू में अंडरआर्म्स दिखते हैं, काफ़ी महिला इस प्रकार से इस बाजू डिज़ाइन को नहीं पहन पाती है। तो इस वीडियो में मैं इस डिज़ाइन का सोल्यूशन लेके आया हूँ और बनाने का तरीका बहुत ही मैंने आसान कर दिया है, बहुत परफेक्ट तरीके से इसको मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इसका फाइनल लुक तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से ये मैंने पहले बनाया था। तो चलिए हमें सीखते हैं इसको थोड़ा सा चेंज तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से कपड़ा लिया है, कपड़ा मैंने यहाँ पर जेमी सूट लिया है, कपड़े की लेंथ मैंने यहाँ पर 13 इंच रखी है और यहाँ से मैंने चौड़ाई वो भी 13 इंच रखी है। ऊपर से मैंने यहाँ पर देखिए 7 इंच चौड़ा ले लिया है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पर बाजू ली है, तो मैंने यहाँ पर छोटी बाजू तैयार की, इसको मैंने कपड़े पे अस्तर पे दोनों को अटैच करके तैयार कर लिया है। लेंथ मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है, जो कि 3 इंच रह जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए, मैं सेंटर से लेना है और दोनों साइड में हमें 2-2 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेना है। जो मैंने पहले तैयार किया था उसी प्रकार से हमें इसको बनाना है। दोनों साइड मैंने 2-2 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद हमें उस निशान से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। मतलब आपको बाजू का सेंटर लेना है, जो कि आपको शोल्डर वाली सिलाई पे अटैच करना है इस प्रकार से। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको रखा है और यहाँ से हमें इसमें चुनर डालना शुरू करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना, आपका कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और नीचे के साइड में कुछ वजनदार या तो लेस वगैरह या फिर आप इसमें कुछ और भी लटका सकते हो, मोती वगैरह। तो यहाँ पर ये बाजू डिजाइन बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इस प्रकार से हमें इसमें बिल्कुल छोटे छोटे हमें चुनर डाल लेने हैं। इसको मैंने थोड़ा चेंज किया है, मतलब बनाने का तरीका बहुत ही आसान कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से मैं इसके एक साइड मैंने चुनर डाल लिए हैं, सिलाई हमें नहीं लगानी, इसको फोल्डिंग नहीं करना है। अभी यहाँ पर मैं इसमें दूसरे साइड में भी इस प्रकार से चुनर डालने हैं, चुनर हमें बिल्कुल बारीक बारीक डालने हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से जो हमारे साड़ी का कपड़ा था उसी को मैंने यूज किया है, लेस इसी के अंदर ये लगी हुई थी, तो इससे हमारी डिजाइन बहुत ही परफेक्ट बनी है। इस टाइप से आपको ये लेना है। अगर आपका कपड़ा प्लेन हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप इसमें कुछ लटका भी सकते हो, मोती वगैरह या फिर कोडी आती है वो भी आप लटका सकते हो इसमें, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। अभी यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से दोनों साइड में मैंने चुनर डाल लिए हैं, अभी इस प्रकार से बना है। अभी यहाँ पर देखिए, मैं बाजू लेना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बाजू तैयार की थी उस बाजू को मैं इस प्रकार से रखना है, जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया ना, उसी निशान से हमें इसको मिलाते हुए यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। और इस कपड़े को मैं 3 इंच के एरिया में इसको हमें कवर करना है, जो कि हमने यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाया ना, उसी निशान के बराबर इसको हमें कवर करना है, ज़्यादा हमें इसको आगे नहीं लाना है। और यहाँ पर देखिए, बाकी का जो कपड़ा है ना, वो ये पूरा कपड़ा यहाँ पर हमें टोटल 4 इंच के अंदर इसको हमें एडजस्ट करना है। दोनों साइड में 2-2 इंच हो गया, तो टोटल 4 इंच हो गया ना, तो इसी 4 इंच के अंदर हमें यहाँ पर इसमें चुनर डालनी है। चुनर हमें यहाँ पर 2 या 3 या 4 जो भी चुनर है वो इसके अंदर हमें डाल देना है बिल्कुल बारीक बारीक, और इसको हमें यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स कर देना है यहाँ पर। तो इससे हमारी जो डिजाइन है वो परफेक्ट बनेगी और अच्छा इसमें काउल और पफ दोनों अच्छा आएगा। इस प्रकार से इसमें हमें चुनर डालना है, देखिए इसमें कम से कम 4-5 चुनर आ गए हैं। इस प्रकार से इसमें हमें बिल्कुल बराबर डालना है और चुनर हमें दोनों साइड में इक्वल डालना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको डाल दिया है। अभी यहाँ पर मैं ये जो हमने चुनर डाल रखे हैं उसको हमें यहाँ पर 3 इंच के एरिया में कवर करना है इस प्रकार से। अगर ज़्यादा रहता है तो आपको चुनर और डाल देना है, कम रहता है तो आपको चुनर खोल लेना है इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अभी यहाँ पर इस प्रकार से ये बना है, बहुत ही परफेक्ट। यहाँ पर देखिए, आप देख कर आप पता लगा सकते हो कि कितना परफेक्ट यहाँ पर ये बना है। इस प्रकार का इसमें ये काउल आने वाला है। जिमी चू यहाँ पर मैंने कपड़ा यूज किया है, बहुत ही परफेक्ट, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कपड़ा। अभी यहाँ पर देखिए, हमें ब्लाउज लेना है, तो ब्लाउज का शोल्डर वाली सिलाई है ना, उसको हमें इस प्रकार से रखना है, और ये इसका सेंटर है बाजू का, तो इसको हमें इस प्रकार से मिलाते हुए यहाँ पर हमें यहाँ से इस प्रकार से पहले तो नाप लेना है और यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। बाजू में अपने साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स कट कर लेना, जैसे हम नॉर्मल बाजू कट करते हैं 3 इंच की, 3.5 इंच की, जो भी आप बनाना चाहते हो।
इस प्रकार से आपको इसको रखना है और यहाँ पर हमें इसको सिले लगा के अटैच कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच करना है और आपको यहाँ पर चेक कर लेना आपका जो सेंटर है वो मिला या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बाजू भी इसमें लग जाएगी और अंडरआर्म्स भी नहीं दिखेंगे। इस प्रकार से इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इसको अटैच किया है। अभी इसका लुक आप देख सकते हो इस प्रकार से आया है। ये देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पर ये बन के रेडी हुआ है। चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कितना परफेक्ट बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना परफेक्ट इसका ये लुक आया है। अभी इसकी हमें फिटिंग कर लेना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से और आप इसका फाइनल लुक इस प्रकार से देख सकते हो। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सुंदर यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको डिजाइन कैसी लगी। इसमें यहाँ पर देखिए बाजू भी लग गई है, किसी प्रकार का अंडरआर्म्स भी यहाँ पर नहीं दिखेगा और आपको डिजाइन भी अच्छी बन जाएगी आपकी पसंद के हिसाब से। बहुत ही ज्यादा अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रही है बाजू डिजाइन, एक बार आप बना के जरूर देखिए। और आप लोग मुझे कमेंट बताना आपको डिजाइन कैसी लगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लीजिए ताकि आपको आगे भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।